मंडी संसदीय क्षेत्र में चल रही राजनीतिक उठापटक के बीच शांता कुमार का बड़ा बयान आया है। निवर्तमान सांसद शांता कुमार का कहना है कि पिता सुखराम और बेटे आश्रय के कांग्रेस में जाने के चलते मंत्री अनिल शर्मा को अपना मंत्री पद त्याग कर देना चाहिए, वहीं कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़ने वाला उनका बेटा भी नहीं जीत पाएगा। धर्मशाला में पत्रकार वार्ता के दौरान शांता कुमार ने कहा कि पंडित सुखराम ने हिमाचल को बदनाम किया है, टिकट की खातिर वह जब दिल करता है दल बदल लेते हैं। विधानसभा चुनावों में सुखराम ने पुत्र की टिकट के लिए भाजपा का दामन थामा था, तो अब उन्होंने पोते की टिकट दिलवाने के लिए कांग्रेस का दामन फिर से थाम लिया है। इस तरह दल बदल की राजनीति देश का दुर्भाग्य है। उन्होंने कहा कि वह नहीं जानते कि पंडित सुखराम को शर्म है या नहीं, लेकिन उन्हें तो है। शांता कुमार ने कहा कि वीरभद्र सिंह ने यह कहा है कि उनकी और सुखराम की कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा खुशी की बात यह है कि वीरभद्र सिंह ने यह भी कह दिया कि उन्हें आयाराम गयाराम पर कोई भरोसा नहीं है। शांता ने कहा कि उनकी और वीरभद्र सिंह की एक ही पार्टी है और वह सिद्धांत की पार्टी है। सिद्धांत पर कायम रहने के लिए वह वीरभद्र सिंह को बधाई देते हैं। शांता कुमार ने कहा कि स्वामी रामदेव आज के समय में चुप है, ये पता नहीं क्यों चुप है, लेकिन पिछले चुनावों में उन्होंने मोदी को आशीर्वाद दिया था और कहा था कि देश को मोदी की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अभी भी मोदी को स्वामी रामदेव के आशीर्वाद की जरूरत है। गांधी जी हमारे मामा की तरह भारतीय जनता पार्टी के सबसे अधिक सीनियर नेता है। अडवाणी अटल की जोड़ी ने भाजपा को आगे लाया था। उन्होंने आज एक प्रकार से पूरी राजनीति को एक बात कही है, एक बुनियादी बात राजनीति जो होनी चाहिए वो उन्होंने कही है। और उन्होंने मेरे ख्याल से सबसे बड़ी बात कही है जिस पर अभी कोई टिप्पणी नहीं है कि ये समय आत्म साक्षात्कार सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, ये बात उन्होंने सबको कही, हमको भी कही, सभी पार्टियों को कही। जो पार्टी की इस प्रकार की शीर्षस्थ नेता है वो इस प्रकार की नसीहत करते हैं, उनको करनी चाहिए और मैं उनको बड़ा धन्यवाद दूँ कि बहुत ठीक समय पर। मंत्री अनिल शर्मा जी को पार्टी निष्कासित कब करेगी? मैं तो उनको निष्कासित ही समझता हूँ, निष्ठा से समझता हूँ, और जितनी देर वो बैठे रहेंगे उनके परिवार को उतना अधिक नुकसान होता रहेगा। मैं सच कहता हूँ, सच कहता हूँ, मुझे बहुत दुख हो रहा है इस सोचकर कि सुखराम जी का बेटा मंत्री पद से जाएगा, उनका पोता बुरी तरह से हारेगा और इस आयु में सुखराम जी बुरी तरह से हताश हो रहा है कि मुझे शर्म आ रही है कि देश के नेता किस प्रकार से। और मैंने कहा, मैंने सब शब्द कहे, मैंने क्षमा मांगी, मैं फिर कहूँगा बिकना बिकना है, दो कौड़ी के लिए हो, दो करोड़ के लिए हो या टिकट के लिए, टिकट के लिए बिकने वाले नेता का सच कहूँ अगर कोई नेता मेरी पार्टी करता मुझे वो भी अच्छा नहीं लगता। और आपको एक बात बताता हूँ कि सुखराम परिवार से बात करने का काम मुझे सौंपा गया, मुझे केंद्र के नेता ने कहा उनसे बात करो। मैंने कहा मैं बात करूँ? कहने क्यों नहीं करता? मैंने कहा कोई जरूरत नहीं। मैंने कहा मंडी की सीट हम जीतेंगे, मैंने कहा नगरोटा की भी जीतेंगे, नगरोटा में भी यही बात, तो नगरोटा की हमने जीती, मंडी की हम जीत लेते अगर ये परिवार ना आया हो। मैंने बात नहीं, मैं इस बात के बिल्कुल खिलाफ हूँ, कोई बड़े से बड़े नेता चुनाव के समय अगर मेरी पार्टी आना चाहेगा मेरा पास चलेगा, मैं नहीं आने दूंगा। मैंने हमेशा समझी था मैं डॉक्टर परमार को हिमाचल प्रदेश का एक निर्माता समझता, क्योंकि मैंने जब राजनीति शुरू की तो वो मुख्यमंत्री थे, बड़े अच्छे मुख्यमंत्री थे, बहुत बड़ा दिल था उनका और इस प्रदेश की शुरू की राजनीति ऊंचे स्तर की, विरोध के लिए विरोध नहीं था। तो देखिए राजनीति में मेरी कल्पना, मैंने लेख में लिखा था अपन सद्भाव की शालीनता की राजनीति, उस राजनीति के कारण मैंने दिल्ली की कांग्रेस सरकार से वो लिया जो भाजपा की सरकार है, भी भाजपा से वो मैंने करके लगाया, शालीनता की सद्भाव की राजनीति। तो मैं प्रशंसा करता हूँ, मंत्री की प्रशंसा करता हूँ, मैंने की है।